सोलन की सब्जी मंडी समूचे हिमाचल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। सोलन की सब्जी मंडी नवीनतम तकनीक का बेहद फायदा उठा रही है, जिसके चलते किसान और बागवान बेहद खुश हैं। यहां तक कि जो डर किसानों को पैसा डूबने का होता था, वे खतरा बेहद कम हो गया है, क्योंकि अब ज्यादातर लेन देन ईनेम के माध्यम से हो रहा है, जिसके चलते किसानों का भुगतान कुछ ही घंटों में कर दिया जाता है। यही वजह है कि किसानों का विश्वास सोलन की सब्जी मंडी में लगातार बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप एपीएमसी का कारोबार भी पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा है। अधिक जानकारी एपीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने बताया कि सोलन सब्जी मंडी का जो लक्ष्य केंद्र के सरकार ने ई नेम में दिया था, वे अक्टूबर माह में ही पूरा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें ई नेम के माध्यम से 20 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना के तहत लक्ष्य मिला था, लेकिन वे इस लक्ष्य को अक्टूबर माह में ही पूरा करते हुए किसानों के खाते में 22 करोड़ 41 लाख तक भुगतान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि केवल सितंबर माह में ही उन्होंने 8 करोड़ 30 लाख की रिकॉर्ड पेमेंट किसानों को सीधा की थी। उन्होंने बताया कि एपीएमसी सोलन उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से भी ई नेम के माध्यम से व्यापार कर रही है। वहीं अब देहरादून के क्रेताओं का भी पंजीकरण जल्द ही एपीएमसी सोलन करने जा रहा है। सुजानपुर के चिल्ड्रन पार्क में प्रयास संस्था और ईपीसीएच द्वारा हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुजानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम की कार्यशाला में 250 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति दर्शाती है कि अपने ही क्षेत्र में प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट कला को आगे ले जाने के लिए लोग कितने उत्साहित हैं। ईपीसीएच ने केवल हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बल्कि देश के विभिन्न शिल्प समूहों में हस्तशिल्प क्षेत्र में लगे कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए काम कर रही है। विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए समय समय पर कार्यशालाएं, सेमिनार और विकास कार्यक्रम ईपीसीएच द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अवनीश परमार, कोषाध्यक्ष प्रयास संस्था, ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प कला का अपना प्राचीन इतिहास रहा है और देश विदेश में हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट सामग्री की अच्छी खासी मांग है। घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रयास स्वयंसेवी संस्था ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट ईपीसीएच के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प कारीगरों की स्थायी आजीविका को बढ़ाने और हस्तशिल्प की कला को जीवित रखने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ईपीसीएच के डायरेक्टर राकेश कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ के लोगों में अद्भुत प्रतिभा देखने को मिलती है। हस्तशिल्प के नाम पर यहाँ पत्थर, धातु की मूर्तियाँ, गुड़िया, मिट्टी के बर्तन, चित्रकालीन, देश विदेश में उनकी भारी मांग है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कारीगरों को नई तकनीक, मांग और बाजार लिंकेज की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के चलते हिमाचल प्रदेश के उत्पादों को व्यापक रूप से बाहर पहुंचाने में बाधा आ रही है, इसलिए हमने प्रयास संस्था के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उद्योग के सामने आने वाली इन परेशानियों को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमीरपुर के बड़ू चौक के पास शाम के समय तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुस गई, जिसके कारण दुकान में बेल्डिंग का काम कर रहे व्यक्ति अशोक कुमार के साथ एक महिला को भी गहरी चोटें पहुंची हैं। गनीमत रही कि दुकान के अंदर घुसी कार के पिलर से टकराने के बाद कार बंद हो गई, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बड़ी तेजी के साथ आई कार नंबर HP74A5405 लम्बलू की ओर से आई और कार चालक का नियंत्रण खोने की वजह से दुकान के अंदर घुस गई। घटना में कार चालक बाल बाल बच गया, तो घटना में घायल व्यक्ति अशोक कुमार और एक अन्य महिला को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन की है और मामला दर्ज कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शी राणा ने बताया कि दुकान पर काम कर रहा था और तेज रफ्तार कार आई और दुकान के अंदर घुस गई, जिसमें दो लोगों को गहरी चोटें पहुंची हैं।